दोस्तों, क्या चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा सकता है? क्या उसके प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया जा सकता है? दोस्तों, न्यूज में आपने बहुत सुना होगा आजकल कि चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए, उसका बॉयकॉट कीजिए। आपके फोन में जितने भी चाइना से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, जैसे कि टिकटॉक हो गया, वीवो एप्लीकेशन हो गया, उससे रिलेटेड सारे एप्लीकेशन को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्या ये सब करके आप चाइना को कुछ इफेक्ट होगा। दोस्तों, अगर बॉयकॉट करने से कुछ इफेक्ट होगा तो क्या होगा और इसका परिणाम क्या आएगा, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी जड़ को समझते हैं कि चाइना बॉयकॉट, ये चीज सामने आया कैसे, लोगों के मन में ये आया क्यों कि चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट कीजिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे पहले से भी लोग इसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन ये अभी ज्यादा इतना जोर क्यों पकड़ा है? दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि इस बड़े से पैंडेमिक सिचुएशन में, जहां पर ये सारे देश, सारे वर्ल्ड कोरोना वायरस से सिचुएशन से लड़ रहे हैं, लेकिन यहीं पे चाइना जो है अपने नेबरहुड कंट्री से सारे के ऊपर फोर्स डाल रहा है कि हमारे जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए। मतलब वो हर कंट्री से अपनी अपनी सीमा बढ़ा रहा है। इंडिया में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उस जैसे क्षेत्रों को वो अपनाना चाहता है। इससे इंडिया के लोगों के बीच में और भी आक्रोश पैदा हो रहा है कि यहाँ पर पूरा देश जो है वो COVID-19 सिचुएशन से लड़ रहा है, यहाँ पर वो वॉर को लेकर उमड़ रहा है, इसलिए लोगों का आक्रोश इस पर बढ़ रहा है। दोस्तों, जानते हैं कि क्या हम इसका बहिष्कार करेंगे तो इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट आएगा? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो कितने डॉलर का होता है। इंडिया और चाइना के बीच का जो तकरीबन बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो तकरीबन $100 बिलियन का होता है। इसमें से अधिकतर इंडिया जो है वो इम्पोर्ट ही करता है, मतलब अपने देश में लेके आता है, और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है। तकरीबन 1/7 जो है, मतलब तकरीबन $100 में से वो $30 इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और वो $70 इंडिया में इम्पोर्ट करता है। मतलब इससे आप जान सकते हैं कि इंडिया इतना फायदा नहीं उठाता इस बिजनेस का, इस ट्रेड का, एज कम्पेयर टू चाइना। इससे जो होता है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो काफी बढ़ जाता है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? हम निर्यात से ज्यादा आयात कर रहे हैं, मतलब कि इम्पोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट की तुलना में। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, और जो कोई भी कंट्री के लिए ये काफी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया का ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो ज्यादातर इंडिया में प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू चाइना। जो इसके कारण जितने व्यापारी हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, वो चाइना से प्रोडक्ट लेना काफ़ी इजी समझते हैं कि हमको वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती है। आप जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारी मोबाइल्स की कंपनी जो होती है वो ज़्यादातर चाइना की ही होती है। यहाँ तक कि एप्पल के कुछ पार्ट भी चाइना में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जो लेबर होता है और बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं, जिसके कारण लोग वहाँ पर जाके बाय करते हैं और अपने कंट्री में बेचते हैं। तो इससे इफेक्ट पड़ता है कि हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं बनती है, तो हम बॉयकॉट करेंगे तो हमारा इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमारे देश पे उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दोस्तों, अगर आपने ये सब चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया, मान लीजिए कि आपने मोबाइल फोन्स का बॉयकॉट कर दिया, दोस्तों बॉयकॉट करने से क्या होगा? अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे हमारा जो ट्रेड वॉर है वो छिड़ जाएगा। मतलब जो चाइना के पास जो चीज़ें हैं वो इंडिया को नहीं बेचेगी और इंडिया चाइना को नहीं बेचेगा। इससे क्या होगा? जो हमारी जो पूर्ति है, जितनी चीज़ों की हमको आवश्यकता है, वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी। क्योंकि हम कभी भी किसी देश से बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल होती है जितनी मात्रा में हमको चाहिए होती है। इसके कारण हमारे पास जो होगा वो डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन सप्लाई नहीं होगी, जिसके कारण वो हम दूसरे देश से अगर वो चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि हम कोई भी मोबाइल फोन है दूसरे देश से खरीदते हैं, या फिर कोई भी चीज अगर दूसरे देश से खरीदते हैं, तो हमको एज कम्पेयर टू चाइना से महंगी पड़ेगी, और वो हमारे जो लोग हैं वो नहीं चाहेंगे। इसके कारण हम चाइना का बहिष्कार धीरे धीरे करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि ऑटोमेटिक तुरंत ही कर लें, तो उसका बहिष्कार नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि हम दूसरे देश से खरीदते हैं एज कम्पेयर टू चाइना, तो क्या पता कि चाइना से ही वो प्रोडक्ट लिया जाए और दूसरे देश में अपना स्टैंप लगाकर आपको बेचा जाए, ये भी संभव हो सकता है। इसलिए आपको बॉयकॉट करने से इतना फायदा नहीं होगा जी। दोस्तों, आप चाइना का डायरेक्टली बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी कंट्री है, वो इतनी चीज का प्रोडक्शन करती है, और इंडिया में उसका यूजेस इतना ज्यादा है कि आप उस चीज का डायरेक्टली बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। अगर इसका बॉयकॉट आपको करना है तो आपको इंडिया में उस चीज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप उस चीज का प्रोडक्शन कीजिए, वैसे वैसे लोग आपके प्रोडक्ट का यूज करते जाएंगे, और उस चीजों को आप एज कम्पेयर टू चाइना सस्ता बनाइए, तब लोग लेंगे। लोगों को सस्ती चीजें चाहिए, इसके कारण चाइना आज इतना सक्सेसफुल है। तो आपको बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी कंट्री में प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा, जिसके कारण धीरे धीरे लोग इस चीज को लेंगे और चाइना का ऑटोमेटिकली बहिष्कार
हो जाएगा और उसका बॉयकॉट हो जाएगा और हमारा ट्रेड डेफिसिट वो काफ़ी लो हो जाएगा। तो बॉयकॉट करने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कुछ देर के लिए ट्रेंडिंग में चले जाएंगे, लेकिन जो इसका एक्चुअल प्रभाव है वो काफ़ी बड़ा होगा। दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ाने से हमको दो चीज़ फ़ायदा होगा, पहला तो हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगा और हमारी जीडीपी में इसका ग्रोथ होगा, और दूसरा जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा। तो आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपका ट्रेड डेफिसिट भी घटेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगारी भी मिलेगी और जीडीपी भी बढ़ेगा। तो बॉयकॉट करने से अच्छा आप अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाइए, और जैसे आपने नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि लोकल्स फॉर वोकल्स, कि मतलब कि आपने जितने लोकेलिटी है वहाँ की प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए। आप ज़्यादातर बाहर की प्रोडक्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने लोकल प्रोडक्ट, तो आप अगर उनका कंज्यूम करेंगे तो इससे भी इसके जीडीपी में ग्रोथ होगा और हम अपनी चीज़ का अगर यूज़ करेंगे तो इनका वैल्यू भी बढ़ेगा। दोस्तों ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि आप चाइना की प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो खुद चाइना का है। दोस्तों एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप फोन तो खरीद चुके हैं, चाइना को पैसा तो दे चुके हैं, तो ये पैसा तो अब आपका हुआ। अगर आप इस फोन को फेंक दीजिएगा या फिर नहीं फेंकेगा, चाइना के पास तो पैसा नहीं जाने वाला है, चाइना के पास तो पहले से पैसा चला गया है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आने वाले जो अपकमिंग डे है, आपको कोई भी चीज़ प्रोडक्ट लेना है, कोई भी चीज़ को लेना है, तो आप चाइना की ना लेकर दूसरे, अगर उसमें आपके पास सब्स्टिट्यूट है तो आप वहां जा सकते हैं, ना कि अपना फोन को फेंक दें, ये काफ़ी रॉन्ग डिसीजन होगा। दोस्तों धीरे धीरे करके आप 10 में से 8 प्रोडक्ट होंगे जो चाइना के होंगे, उसमें से आप धीरे धीरे 6 पे आ जाएंगे, 6 से 5 आएंगे, ऐसे धीरे करते करते आप चाइना के प्रोडक्ट का धीरे धीरे उनका यूज़ कम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में और कलीग्स के साथ में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।